खाली मतलब वो कहते हैं ना खारे में जिंदगी गुजर जाती है, या कोई मतलब आप समझते हैं कि पहलवान भी दो तीन शादियां करते हैं? देखें, बड़े पहलवानों ने हमारी फील्ड में तीन तीन चार चार दो दो शादियां की हैं। अच्छा। और उनकी बड़ी अच्छी जिंदगी गुजरी है। अच्छा। और उन्होंने उनकी सब बीवियों से दो दो तीन तीन बीवियों से औलादे भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुंतजिर हूँ कब मैं दूसरी और तीसरी शादी करूँ। हाय 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 हाय, उमर पहलवान ने बता दिया कि मैं खारे का तो पहलवान हूँ ही, एक शादी के बाद दूसरी नहीं तीसरी का भी अंदिया दे दिया है कि दूसरी भी शादी करने का तैयार हूँ और तीसरी भी कर सकता हूँ क्योंकि इंटरनेशनल पहलवान हूँ। कहीं कितने खारे हैं जो पहले 500 से ज़ायद होते थे? देखें, पहले पहलवानी पाकिस्तान जब बना था तो सिर्फ पहलवानी ही वह गेम थी जो पब्लिक के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और खेली जाने वाला शौक था। अच्छा। और अभी ये कम होते हुए, इसकी क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तोजो नहीं दी, ये कम होते हुए बिल्कुल ही सिमट के रह गई है। वो 500 अगर अखाड़े थे उस वक्त में जब पाकिस्तान बना, अब तो पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 40 से 50 अखाड़े होंगे जो पहलवानी जिनके अंदर हो रही है। सिर्फ 40 जी, पूरे पाकिस्तान जी, बिल्कुल बिल्कुल, जिनके अंदर प्रॉपर पहलवानी हो रही है। अच्छा। देखें, जो अभी ये 15 साल से ये पहलवानी का रुझान बहुत कम हो गया, दंगल होने कम हो गए हैं। कहती हैं कि पहलवान का जो मुआवजा है, अगर वो मुआवजा बहाल कर दिया जाए, महाना जो कभी किसी दौर में मिलता था, तो शायद फन पहलवानी जो है वो दोबारा अरूज पकड़े। देखें, आप ही कह रहे हैं, ये बिल्कुल बात ठीक है। अगर पहलवानों को जो नए बच्चे करते हैं इनके अगर वजीफे लगाए जाएंगे और इनको अगर माली सपोर्ट होगी, तभी ये जाके पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अंदर पहलवानी बढ़ेगी और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप आज भी जो मट्टी के अखाड़े हैं उस पे खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, आपके पहलवान भी करते हैं, जबकि दुनिया वो बहुत आगे बढ़ गई है, वो मैट के ऊपर पहलवानी हो रही है, तो ये हम कुछ पीछे नहीं रह गए, ये हमें भी कुछ आगे बढ़ना है? देखें, मैंने अपनी पूरी पहलवानी मट्टी के ऊपर करके बाहर जाकर मैट पर लड़ते रहे हैं, हमें सहूलियात नहीं दी गई। अगर दी जाती हम भी ओलंपिक में वर्ल्ड में मेडल लेते हैं। तो ये जो रवायती खेल है पूरी दुनिया में अपने अपने मुल्कों में खेले जाते हैं, जैसे तुर्की में आयरन रेसलिंग उनका रवायती देसी कुश्ती है उनकी, वो बहुत रूज के ऊपर है, मगर उनकी मैट की भी बड़ी रूज के ऊपर है, वो ओलंपिक्स में वर्ल्ड में मेडल लेते हैं, मगर उन्होंने अपनी रवायात नहीं छोड़ी। तो उन्होंने अपनी जो जदीद दौर की कुश्ती थी गद्दे वाली, उसको बहुत ज़्यादा सहूलतें दी हैं, जिसकी वजह से वो ओलंपिक में वर्ल्ड में मेडल लिए। हमारे यहाँ सहूलतें गवर्नमेंट नहीं दे सकी, मुहैया नहीं कर सकी। अब ये काम शुरू हुआ है पाकिस्तान के 70 साल बनने के बाद, कि अब हर शहर में मैट आ रहे हैं, हर शहर में जिमनेजियम बन रहे हैं। ये पहले होना चाहिए था, आज से 50 साल पहले, तब जा अगर वहाँ उस टाइम पे होता तो आज हम भी वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन होते। किस उम्र में बच्चे को फन पहलवानी की तरफ आ जाना चाहिए, फिर कितनी देर तक वो पहलवानी कर सकता है, और उसको नौकरी मुलाजमत कुछ मिलती है नहीं मिलती, इस तरह की बात? ये देखें, पहलवानी की सबसे बेस्ट उम्र जो है वो 12 साल से स्टार्ट होती है। ठीक है। अगर कोई बच्चा 12 साल में पहलवानी शुरू करेगा और वो कंटिन्यू उसको लगातार करता रहेगा, वो 18 साल में जाके अपने मुल्क का नामवर और अच्छा पहलवान बन सकता है। सही बात। तो बनते हैं लोग, जैसे मैंने भी 12 साल की उम्र में पहलवानी शुरू की और मैं 15.5 साल 16 साल की उम्र में मैं पाकिस्तान का सीनियर नेशनल चैंपियन बन गया। 4 साल में। तो अच्छा। ये ऐसे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो 12 साल में शुरू करते हैं, 16-17 साल में वो अपने मुल्क के चैंपियन बन जाते हैं। आमिर पहलवान, एक सवाल पूछें? जी पूछे पूछे बिल्कुल। पहलवान की अज़वाजी ज़िंदगी कैसी होती है? कभी खाली मतलब वो कहते हैं ना खारे में ज़िंदगी गुजर जाती है, या कोई मतलब आप समझते हैं कि पहलवान भी दो तीन शादियाँ करते हैं? देखें, बड़े पहलवानों ने हमारी फील्ड में तीन तीन चार चार दो दो शादियां की हैं। अच्छा। और उनकी बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजरी है। अच्छा। और उन्होंने उनकी सब बीवियों से दो दो तीन तीन बीवियों से औलादे भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुंतजिर हूँ कब मैं दूसरी और तीसरी शादी करूँ। हाय 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 हाय, उमर पहलवान ने बता दिया कि मैं खारे का तो पहलवान हूँ ही, एक शादी के बाद दूसरी नहीं तीसरी का भी अंदिया दे दिया है कि दूसरी भी शादी करने का तैयार हूँ और तीसरी भी कर सकता हूँ क्योंकि इंटरनेशनल पहलवान हूँ। अच्छा, वैसे पहलवान की आमदनी क्या होती है, आपकी आमदनी क्या है, कहाँ से पैसे आते हैं, कोई नौकरी नौकरी है या फिनिश? नहीं, देखें, नौकरी तो मेरी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है वापडा में। अच्छा। 26 साल मेरी सर्विस भी हो गई है वापडा में,
तो 18वें ग्रेड में मुझे नौकरी दी है वो अल्हम्दुलिल्लाह। जब 20 साल मैं बाबला की तरफ से नेशनल चैंपियन रहा हूँ और पाकिस्तान की टीम के साथ 55 मुल्कों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, जिसमें सैफ गेम में 4 गोल्ड मेडल लिए हैं, कॉमनवेल्थ में मेरे 7 मेडल हैं, ब्रिटिश ओपन में गोल्ड मेडल है, ऑस्ट्रेलिया कप में गोल्ड मेडल है और इसी तरह बेशुमार मुल्कों में अपना मेडल जीते हैं। इंडिया के अंदर हिंद केसरी का आज़ाद जीता है और उस मोहब्बत मतलब केसरी इंडिया की सरजमीन पे पाकिस्तानी परचम आपने सर बुलंद किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेशुमार फाइटरी हुई है इंडियन पहलवानों के साथ, कोल्हापुर में, जलंधर में, अमृतसर में, दिल्ली में, बॉम्बे में, पूना में और बेशुमार मिट्टी की और मैट की। जी उमर पहलवान ने आज बड़ी खुली खुली दिल की बातें की हैं। उनका कहना है कि अगर फन्ने पहलवानी को फरोग हुकूमत चाहती है तो फिर पहलवानों का कम से कम महाना वजीफा जो था बंद कर दिया गया है वो बहाल कर दिया जाए और पहलवानों की सरपरस्ती की जाए, मुकाबले कराए जाएं, अखाड़े बहाल किए जाएं और फिर पहलवान ना सिर्फ पाकिस्तानी परचम बुलंद करेंगे बल्कि दूसरी और तीसरी शादी के भी ख्वाह हैं।